गुड़गांव के अस्पताल में 4 दिन तक भर्ती रहने के बाद अपने गांव रालेगंज सिद्धी पहुंचे अन्ना हजारे। गांव में अन्ना का स्वागत जोरदार तरीके से हुआ। महिलाओं ने अन्ना की आरती उतारी। गांव में दिखा दिवाली जैसा माहौल। अन्ना को मिल गई अस्पताल से छुट्टी और वो 4 घंटे का सफर तय कर पहुंच गए अपने गांव रालेगंज सिद्धी। गुरुवार रात करीब 1 बजे अन्ना अपने गांव पहुंचे। इसके साथ ही उनके गांव वालों का इंतजार खत्म हुआ। गणेशोत्सव के दिन अन्ना के गांव पहुंचने पर गांव वालों का जोश दोगुना हो गया है। रालेगंज सिद्धी पहुंचते ही गांव की महिलाओं ने सबसे पहले अन्ना की आरती उतारी। इसके बाद अन्ना ने बाबा यादव मंदिर का रुख किया। यहां अन्ना ने माथा टेका। इसके बाद वो पद्मावती मंदिर पहुंचे और भगवान की पूजा अर्चना की। रालेगंज सिद्धी में जश्न का माहौल था। गांव वाले देर रात तक जाग रहे थे। सब अन्ना की एक झलक पाने को बेताब थे। जैसे ही अन्ना का काफिला गांव में दाखिल हुआ, गांव में शुरू हो गई दिवाली। गांव पहुंचकर अन्ना ने कहा कि गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसे में गांव पहुंचकर अब वे गणेशोत्सव में शामिल होंगे। गुड़गांव के अस्पताल में अन्ना की गिरती सेहत में सुधार आया। अन्ना का वजन बढ़ा, साथ ही उनका बीपी और पल्स रेट जैसे ही सामान्य हुआ, डॉक्टरों ने अन्ना को अस्पताल से छुट्टी देने का फैसला कर लिया। इसके बाद अन्ना हजारे को बुधवार शाम के करीब 7 बजे गुड़गांव के मेदांता अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल से दिल्ली के एयरपोर्ट रात के करीब 9 बजे पहुंचे अन्ना हजारे। उसके बाद अन्ना हजारे किंगफिशर की फ्लाइट से रात के 11 बजे पुणे पहुंचे। फ्लाइट के अंदर भी अन्ना हजारे जिंदाबाद के नारे लगे और लोग फ्लाइट में अपने बीच अन्ना हजारे को देखकर बेहद रोमांचित थे। पुणे एयरपोर्ट पर भी अन्ना समर्थकों का जमावड़ा मौजूद था। अन्ना को एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अन्ना हजारे गाड़ियों के काफिले के साथ अपने गांव पहुंचे। माना जा रहा है कि रालेगढ़ सिद्धी में ही लोकपाल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अन्ना की अगली रणनीति बनेगी। लेकिन फिलहाल तो अन्ना गणपति की पूजा में व्यस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।